Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। जिसने जिसने ज्वाइन कर लिया वो जय हनुमान जी कर दे चैट बॉक्स में। सर हम तो मैसेज नहीं लिख पा रहे, रिप्लाई रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई नहीं, आप रहने दो। ठीक है, चलो काफी बच्चे आ गए हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बट आपको बेसिक ऐसा हो जाएगा कि आपको सारी टाइप्स हमने टच कर ली और कुछ कुछ इसके प्रॉब्लम्स कर लिए। तो इस लेक्चर का मोटो ये है कि जिसको थोड़ा बहुत भी वीक रह गया हो, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप या समझ नहीं आया हो, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो देखो इंटीग्रेशन जो है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सुनो भाई सब लोग अब ध्यान से। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना सिखाया जाता है कि एक फंक्शन को किस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, इसका एक और नाम होता है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो अगर हम बोलें कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन एक्स के बराबर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी वन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर x प्लस सी वन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि ln x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 by x आता है, तो 1 by x का जो इंटीग्रल आता है वो ln mod x आता है। ln mod x इसीलिए आता है क्योंकि हमें डोमेन मेक श्योर करना होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ln mod x अगर मेरे पास है तो उसका डेरिवेटिव 1 by x आएगा। अपने माइक को बेटा क्लोज करो सब लोग, और क्योंकि ये चीजें ज्यादा हैं इसीलिए प्लीज मेरे को ना बोल, मतलब जो डाउट होंगे वो अलग से पूछना। अभी मेरे को एक बार सबको रिवाइज करवाने दो ताकि किसी का कुछ भी मिस ना हो। ln mod x का डेरिवेटिव 1 by x है, तो एक्चुअली में ऐसा होता है, अगर आप ln mod x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है, फॉर एक्स लेस देन जीरो इट इज -1, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इट इज 1, और एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, तो हम मॉड एक्स के डेरिवेटिव को एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो अगर आप एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली देखोगे तो आप क्या जाएगा, 1 by mod x into mod x by x, तो 1 by x ही बन जाएगा। इसीलिए 1 by x का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन मॉड एक्स प्लस सी वन। तो इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको याद करने हैं। अब जैसे आपको ये भी याद होना चाहिए कि भाई सीकेंट्स, जैसे टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, टैन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास, हम बोलते हैं कि भाई सीकेंट, अब इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, सीकेंट एक्स का इंटीग्रल निकालना है, तो इसके लिए ट्रिक्स थी तो आपको बताई हुई थी, इसका इंटीग्रल आता है ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का मॉड प्लस सी वन। ठीक है, ऐसे ही टैन एक्स का जो इंटीग्रल आता है वो किसके बराबर आता है, ln mod secant x आता है। ठीक है, cot x का इंटीग्रल जो आता है वो ln mod sin x आता है। तो ये सब चीजें आपको ना याद करनी पड़ेंगी ताकि आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेसिक थ्योरम्स, जो इसकी बेसिक थ्योरम्स हैं। अब बेसिक थ्योरम्स क्या कहती हैं, जैसे हमें ये पता था कि भाई डिफरेंशिएशन अगर प्लस पे स्प्लिट होता है, डिफरेंशिएशन जो है वो प्लस पे स्प्लिट हो जाता है, माइनस पे स्प्लिट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंशिएशन का अलग रूल है। ठीक है, डिवीजन के लिए अलग रूल है। तो वैसे ही अब जो ये इंटीग्रेशन है इसमें क्या होता है, अगर आपके पास प्लस माइनस आ रहा है, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स।
लास्ट में, अभी बीच में कुछ नहीं करना है, लास्ट में इंटीग्रेशन में क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। अगर आपके पास कुछ कांस्टेंट है, मान लो ऐसा है 2f(x) dx है, तो ये 2 जो होगा ये इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मान लो आपके पास कुछ f(x) dx का इंटीग्रल आया से g(x+c1), मतलब जी को एक अलग फंक्शन आ गया, जैसे मान लो साइन एक्स का इंटीग्रल आपने लिया तो आपके पास माइनस कॉस एक्स आ गया, या कॉस एक्स का इंटीग्रल लिया तो आपके पास साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो वो एफ आपका कॉस एक्स हो गया, जी आपका साइन एक्स हो गया। तो अगर यहाँ पे लीनियर टर्म आ जाती है ax+b dx, तो इसका इंटीग्रल आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो एक्स की जगह लीनियर आना चाहिए, बट एक्स की जगह अगर लीनियर आएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा g(ax+b)/a+c1, ठीक है। बट अगर x की जगह क्वाड्रेटिक आ गया, यहाँ पे मान लो ऐसा आ गया कुछ ax2+b dx, इसका हमें नहीं पता कैसे होगा, इसका कोई अलग ही तरीका होगा, इसका डायरेक्ट gx से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, कि अगर f of x का इंटीग्रल मुझे पता है g(x+c1) है, तो f(ax+b dx) जो है इसका इंटीग्रल क्या आएगा, g(ax+b)/a+c1 आएगा, ठीक है। तो अगर ये पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन फिर कर पाओगे, ठीक है। ये अब ये हो गई इसकी बेसिक थ्योरम्स। अब आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, एक तो बेसिक थ्योरम्स और इसके जो इसके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलों के लिए आपको अलग से मैंने बताया हुआ है मॉड्यूल में, एक पेज पे दिए हुए हैं, उनको पढ़ो बार बार, एक पेज पे लिख लो, शॉर्ट नोट्स टाइप बना लो, आपको याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। टाइप वन है हमारी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा या डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम बनेंगे, ठीक है। अब उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है, मान लो मेरे पास, मेरे को ये सॉल्व करना है 4x+1 की पावर -1/2 dx, इस इंटीग्रल को मेरे को सॉल्व करना है। अब क्या है, मान लो आपको ये आना चाहिए कि x की पावर -1/2 dx कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये आता होगा तो ये आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर उसकी जगह x की जगह पर क्या आ गया है, एक लीनियर टर्म आ गया है। तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, x की पावर n का इंटीग्रल, उसके लिए हमें x की पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके इंटीग्रल का फॉर्मूला x की पावर n+1/(n+1) where n is not equal to -1, क्योंकि अगर x -1 होगा तो dx by x का इंटीग्रल होता है ln mod x, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब n -1 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा उसके हिसाब से, x^(½/½)+c1, समझ आ गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसी फॉर्मूले को अगर लगाएंगे तो 4x+1 की पावर ½/½ into 4 जरूर आ जाएगा। into 4 क्यों लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी अभी बताया था कि अगर a यहाँ पर आ रहा है तो आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो लेफ्ट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव फिर वाली टर्म नहीं बनेगी, इसीलिए वो 4 से डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि जब आप डेरिवेटिव लेते हो उसमें 4 मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन में लीनियर टर्म्स पर ही एक्सटेंड होते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म क्यूबिक टर्म पर एक्सटेंड नहीं होते, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है, अब जैसे ये इंटीग्रल है x^(-1)/(x^+1) dx। अब हमें देखो, अब कुछ बच्चे होंगे जिनको ये स्ट्राइक कर रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा। अब दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, तीसरे होंगे जिनका जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, उनका कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब x^(-1)/(x^+1) dx है, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो अब क्या होगा, अब अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे ना तो आप बहुत जल्दी सोच पाएंगे बेटा। तो फॉर्मूले याद करने का यही फायदा है कि अगर मेरे को फॉर्मूले आते होंगे ना, अब जैसे मेरे को एकदम डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है कि मुझे ये करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब जैसे मान लो आपने ये फॉर्मूला देखा हो तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि भाई हाँ इसी डायरेक्शन में मुझे मूव करना है। dx/x^+1 का इंटीग्रल होता है tan−1x+c1, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/(x^+1), ठीक है। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x^(-1)/(x^+1) है हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम लिख देंगे x^(+1−2)/(x^+1), तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, ये अगर अलग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx, ऐसा आ जाएगा ना 1−2/(x^+1) dx। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 dx और ये बन जाएगा 2 dx/(x^+1), ठीक है। अब 1 dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x−2 tan−1x+c1। कभी भी अगर आपको डाउट हो कि भाई आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो, इसका डेरिवेटिव लेके चेक करो, इसका डेरिवेटिव ये इंटीग्रेंड आ जाना चाहिए, जो इंटीग्रेंड है ये इस इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेंड है वो आ जाना चाहिए, समझ आई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब जैसे मान लो ये डायरेक्ट dx/√
वन माइनस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है हमें। अब जिसको फॉर्मूला आता होगा फिर उसको स्ट्राइक कर जाएगा। जैसे अब फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे लीनियर टर्म ही तो है, एक्स की जगह पे क्या आ गया, टू एक्स प्लस वन आ गया, तो सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस सेवन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक बताओ भाई, सबको समझ आ गया? जिसको अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया वो मेरे को क्वेश्चन नंबर लिख दो कि सर मेरे को ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझ आया। जिसको सब समझ आ गया है वो लिख दो यस सर, ऑल क्लियर, या तो ऑल क्लियर लिख दो कि ऑल क्लियर है अभी तक जो भी मैंने बताया। ये स्टार्टिंग का ही समझ आना इसमें जरूरी है, अगर स्टार्टिंग का समझ आ गया फिर तो पूरे चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन है कि भाई ये पुट करो ये पुट करो ये पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। हाँ जी, ऑल क्लियर हो गया सबको? शैली आपको ऑल क्लियर हो गया है? शैली तेरे को समझ आ गया? माइक ऑन करके बोलो। ठीक है, ऑल क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉब्लम है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन बाय एक्स की पावर थ्री डी एक्स। ये कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाना है इसमें। अब इसमें कोई बच्चा, अगर अभी मैं पूछ रहा हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, इसको ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वन बाय एक्स की पावर फोर बाय फोर प्लस सी वन। हाँ भाई, बताओ भाई, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, रुको एक बार, तू ही राम तुम बताओ, तू ही तुम बताओ, ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? गलत है सर। गलत है, ठीक है। कपिल आप बताओ। हाँ कपिल बता रहे, नो सर। कपिल तो ये गलत क्यों है? पहले सर इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ऐसे फिर को कैसे पता चला कि फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा? वो सॉल्व नहीं होगा ऐसे, क्योंकि दो फंक्शन दे रहा है, रूट एक्स और वन बाय रूट एक्स। आप अपने माइक क्लोज करो बेटा। यहाँ पे ना अब ये फॉर्मूला तो तब लगता जब हमारे पास लीनियर टर्म होती। मान लो x की पावर 3dx को सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो x की पावर 4 बाय 4 प्लस c1। ठीक है, ये लिख सकते हो 2x प्लस 1 की पावर 3dx सॉल्व करना है, इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 की पावर 4 बाय 4 इंटू 2 प्लस c1। ठीक है, अगर लीनियर टर्म होगी तो लग जाएगा। अब यहाँ तो अंडर रूट आ रहे हैं ना बेटा, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स ही आ जाएगा ये। ठीक है, इसका इंटीग्रल अभी इस पे वो वाला फॉर्मूला, क्योंकि अभी ये लीनियर टर्म है तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा, एक्स पावर फाइव बाय टू बाय फाइव बाय टू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स पावर माइनस हाफ बाय हाफ माइनस हाफ सॉरी एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन आता है, क्योंकि प्लस थ्री एक्स पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू प्लस थ्री एक्स पावर हाफ बाय हाफ, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया होगा मेरे को लग रहा है सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम है अब हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। इसको हमने ऐसे बताया था आपको कि देखो अब वही करेंगे कि हमें इसको फॉर्मूले में रिड्यूस करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स फोर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो एक्स के माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स के प्लस वन, दोनों ही सॉल्व हो गए। कैसे, इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी वन, सॉल्व हो गया ये। ठीक है, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये अब आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन की पावर सेवेंटी एक्स, करो रफ में जल्दी से आंसर बताओ इसका मेरे को।
देखो इसमें क्या करना है आपको, जब भी एक लीनियर टर्म हो प्रेजेंट होती है, हम आगे भी ध्यान रखते हैं, एक लीनियर टर्म को मैं दूसरी लीनियर टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक क्वाड्रेटिक टर्म को मैं दूसरी क्वाड्रेटिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक क्यूबिक टर्म को मैं थर्ड क्यूबिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट उतने ही वेरिएबल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, जितने उसमें वेरिएबल होंगे उतने ही वेरिएबल आपको ऐड करने पड़ेंगे। हाँ आदित्य आप सही कह रहे हो। तो ये 2x+3 को हम ऐसा लिख सकते हैं k1 times of x+1+k2। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये देखने पे समझ आ रहा है कि ये 2x+1+1 बन जाएगा। तो इस 2x+3 को मैंने लिख दिया 2 times of x+1+1 / x+1 की पावर 7 dx। अब जैसे आपने ये लिख दिया है तो आपके पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2 upon x+1 की पावर 6 dx + dx upon x+1 की पावर 7। देखो अब समझ आ गया, अब तो हो गया सॉल्व, क्या बन जाएगा, ये लीनियर टर्म है यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 2 times of x+1 की पावर -5/-5 + x+1 की पावर -6/-6+1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, पता नहीं कई बार ऐसे गलती कर देते हैं, -7 है तो -8/-8 लिख दिया, या -7 है तो -7x/-8, वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। अब ये ध्यान रखना है, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो x+1 की पावर -7 होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x+1 की पावर -6/-6 होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। अच्छा एक प्रॉब्लम और था इसमें जो मैंने आपको बताया था क्लास में भी, secant square x degree dx, जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनमें एंगल के जो यूनिट्स हैं वो रेडियंस में होते हैं बेटा, वो डिग्रीज में नहीं होते। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस होता है, ठीक है, और जो 1 डिग्री होगा वो पाई बाय 180 रेडियंस होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 180 एक्स डीएक्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, टैन ऑफ पाई बाय 180 एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 180+c1, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा सबको, ये टैन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होगा टैन, बट उसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिविजन में जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी सबसे बेसिक टाइप जिसमें ये फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है या रिड्यूसिबल टू फॉर्मूले है। ये क्वेश्चन सब या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे या इसमें रिड्यूस हो जाएगा, कुछ हिट एंड ट्रायल करके या कुछ मैनिपुलेशंस करके आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप टू। टाइप टू में था हमारा सब्स्टिट्यूशन, हमें इसमें करना था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी एक टर्म को टी मानना होता है, तो होता क्या है, टी मानने के बाद आपका फॉर्मूला बनेगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसमें आपने किसी को टी ज्यूम किया तो या तो उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे आपने कुछ साइन टी डी टी बन गया आपके पास, तो कोई किसी ना किसी फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा जो कि सॉल्वेबल होगा, या आपको क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव दिख रहा होगा तो उसी को हम टी मानते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, एट प्रॉब्लम है हमारे पास। जैसे मान लो हमारे पास है लॉग ऑफ x/5 / x dx, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अगर मैं बोलता हूँ log x with base 10 है तो इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होता, इसको आपको ln x by ln 10 लिखना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव आएगा 1/ln 10 * 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ना ln कर देते हैं। वैसे log, अगर कैलकुलस में हम अगर log लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है उसका बेस e होगा। तो ln x/5 / x dx है, इसमें हमें समझ आ ही रहा है कि हमें ln x को t मान लेना चाहिए। क्यों t मान लेना चाहिए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में, इस इंटीग्रेंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x dx = dt। अब जब आपको डेरिवेटिव लेना है तो हम मान रहे हैं कि डेरिवेटिव हम एक या तो टी के रिस्पेक्ट में ले सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में ले सकते हो, बट हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे 1/x dx/dt = 1, ऐसे नहीं लिखेंगे हम उसको, dx = dt वाली फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, जो एक्स का फंक्शन है उसको टी में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, तो मान लो डी के रिस्पेक्ट में लिया आपने, तो 1/x dx आ गया, उधर आपके पास dt आ गया। तो अब आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, आपका बन जाएगा ln x की जगह t की पावर 5, dx/x की जगह क्या आ जाएगा, dt। देखो ऐसा नहीं करना है कि भाई ये x पड़ा रह जाए, जब आप t में जा रहे हो तो सारी वैल्यूज आपकी t में होनी चाहिए, x हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि t भी पड़ा रह गया और x भी पड़ा रह गया, फिर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो t की पावर 5 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, t की पावर 6/6c1, और लास्ट में t लिख देना है, तो ln x की पावर 6/6 + c1, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो ये इंटीग्रल है सीकेंट, जैसे सीकेंट एक्स डीएक्स था, ये हमें सॉल्व करना था। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे इसका रिजल्ट तो हमें याद रखना ही है वैसे, ln of mod secant x plus tan x, बट इसकी ट्रिक क्या है कि इसको secant x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हमने इसको secant x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने लिख दिया secant x plus tan x, ठीक है, और यहाँ पे dx लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसमें secant x plus tan x को t मानते हैं। अगर हम secant x plus tan x को t मानते हैं तो secant का डेरिवेटिव आएगा secant x tan x, tan x का डेरिवेटिव आएगा secant square x, ये बन जाएगा dx is equal to dt। तो हो क्या रहा है, secant x into secant x आपका बन गया secant square x, और secant x into tan x बन गया secant x tan x, तो ये टर्म हमारी dt ही बन रही है, by t आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ln mod t which is ln of mod secant x plus tan x plus c1। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, इजी प्रॉब्लम था ये भी, बट इसमें ये ध्यान रखना था कि इसमें एक ट्रिक है छोटी सी कि क्या secant x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये तो याद रखने वाली बात है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास dx upon x plus root x। इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे सॉल्व किया था, इसको लिख दिया dx by under root x कॉमन निकाल लिया, under root x plus 1 लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, रूट एक्स को भी टी मान सकते हैं, रूट एक्स प्लस 1 को भी टी मान सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे रूट एक्स प्लस 1 को टी माने, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx by root x डायरेक्ट बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 by 2 root x dx is equal to dt। तो जो आपका इंटीग्रल है वो बन जाएगा 2 dt by t, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ln mod t, तो ln mod root x plus 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको डाउट हो आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर लो, आपका आंसर मैच करना चाहिए, इस केस में वो ऑलरेडी मैच कर रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अब सिंपल सा इंटीग्रल आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 एक्स dx, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो वैसे बहुत ईजी है, इसमें क्या आएगा, ये इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है उसको आप लिख सकते हो ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्योंकि वन वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये टर्म बन जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये टर्म हमारा इंटीग्रल में सॉल्व हो जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में ये गिवन होना चाहिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फॉर द टाइम बिंग हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब नेगेटिव मानोगे तो मॉड नेगेटिव में ओपन अप होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कट के हमारे पास dx आ जाएगा, आंसर x plus c1 आ जाएगा। अगर sin x plus cos x नेगेटिव होता तो माइनस x plus c1 इसका आंसर आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास x square upon 1 plus x power 6 dx। करो सॉल्व करो इसको, बताओ इसका आंसर, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर इसका। x क्यूब को t माना है, बहुत सिंपल है। x क्यूब को अगर आप t मानते हैं तो क्या होगा, देखिए x क्यूब को अगर आप t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 3x square dx is equal to dt। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो बन जाएगा dt by 3 into 1 plus t square, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 by 3 times of tan inverse t, तो आ जाएगा 1 by 3, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है, आगे होगा सबको समझ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 13 tan cube x dx, इसको सॉल्व करो एक बार। चैट बॉक्स में लिखो, लिख नहीं रहे हो यार,
ऐसे स्लो मत चलो यार, फास्ट फास्ट चलो, मजा तभी आएगा। टैनेक्स को टी, और कोई बताओ। टाइम 3x का फॉर्मूला? नहीं, वो तो लेंथी पड़ जाएगा बहुत। सीकेंट एक्स को टी, ओके। देखो अभी है ना, सब्स्टिट्यूशन का ही प्रॉब्लम है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टैन एक्स इंटू टैन स्केयर एक्स डीएक्स। देखो मेरे को ये पता है कि सीकेंट स्केयर का इंटीग्रल आता है मुझे, सीकेंट स्केयर का इंटीग्रल टैन एक्स होता है ना। तो हमने क्या किया, टैन एक्स इंटू टैन स्केयर एक्स लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टैन एक्स इंटू टैन स्केयर एक्स को लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो अभी ये बन जाएगा हमारे पास टैन एक्स टाइम्स ऑफ सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स डी एक्स। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, टैन एक्स को टी मानोगे तो ये डी टी बन जाएगा। तो समझ गए, टैन एक्स को टी मानोगे तो सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा टैन स्केयर एक्स बाय टू माइनस ln mod secant x plus c1। ये आंसर आएगा इसका। हाँ लक्ष्य का सही आया एकदम। हाँ tan square x को secant square x minus 1 लिखना है, ठीक है, समझ आ गया ना आप सबको। tan cube x को लिखा tan x into tan square x, फिर उसके बाद tan square x को secant square x minus 1 लिख के सॉल्व कर दिया, ठीक है। 14 पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन साइन ऑफ x ई एक्स डी एक्स, ये बताओ भाई। कुछ बच्चों को बहुत इजी लग रहा होगा, देखो जिन्होंने प्रॉब्लम किया हुआ उनको तो इजी लगेगा, बट ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे। एक्स की पावर एक्स को टी मानना, सबको समझ आ गया एक्स की पावर एक्स को टी मानना है। शैली आपको बताओ चैट बॉक्स में लिख के समझ आ गया एक्स की पावर एक्स को टी मानने। साक्षी, शैली, शादना, आप लोगों को समझ आ रहा है एक्स की पावर एक्स को टी मानने है? सर ठीक है, ओके। देखो x की पावर x को t मानना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x e की पावर x प्लस e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये वाली टर्म आप हमारी ऑलरेडी बाहर बैठी हुई है, तो sin t dt हो जाएगा। sin t का इंटीग्रल क्या होता है, sin t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t। अब वो अब देखो एक बच्चे ने cos बता दिया है तो वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो माइनस cos ऑफ एक्स ई एक्स प्लस सी वन, तो ये इसका आंसर आएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया जो आपकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और प्रॉब्लम होंगे आपको दिख जाएंगे पैकेज वगैरह में, और प्रॉब्लम दिख जाएंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है जो टाइप थ्री है वो है ट्रिगो, टाइप थ्री जो है वो है ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन में क्या था, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको ये बताया था कि अगर x square plus a square है
तो एक्स को हम ए टैन थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं टैन थीटा को, तो एक्स को हम ए सीकेंट थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है तो हम एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो एक्स को हम ए कॉस टू थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर दो टर्म और थी जो आपको रट्टा ही मारनी है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स है, मतलब ऑल्टरनेट है, एक्स के साइंस ऑल्टरनेट है, और एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स है, तो इसमें एक्स को हम एज्यूम करते हैं अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर इसमें आप सेम टर्म है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो इसमें अब हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू अल्फा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस हैं, अब इनको याद करना ही पड़ेगा आपको ना, जैसे ये तो चलो आपने अभी तक ट्रिगो के इतने फॉर्मूले यूज किए हुए हैं तो आपको याद ही रहता होगा, जैसे अगर हमें ये पता हो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिमिलरली अगर आप उस पे कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा दोगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो वहीं से आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई ये इस वाली ऐसी टर्म पर a cos 2 थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगी। ये दो आपके लिए नहीं है तो पूरे कैलकुलस में यूज होती है अलग अलग जगह पर, याद करना पड़ेगा। अगर x ऑल्टरनेट है साइन का तो अल्फा कॉस के थीटा प्लस बीटा साइन के थीटा पुट करना है, अगर सेम साइन का है तो अल्फा सीकेंट्स के थीटा माइनस बीटा टाइन्स के थीटा यूज करना है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इनको लिख लो पहले, गड़बड़ नहीं करनी है कुछ भी, इनको लिख लो फिर उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब फिर इसके बाद मैंने आपको बताया थे कि टेन सिस्टर फॉर्मूले है हमारे पास, अब जो टेन सिस्टर फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं उनको याद करना है, इनको भी ये भी फॉर्मूलों की तरह काम करेंगे, ये सब इसी से डिराइव होते हैं जो हमने ऊपर अभी सब्स्टिट्यूशंस लिखी हैं। तो जैसे इसका रिजल्ट क्या था, 1/a tan इनवर्स x by a, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होगा, आपने देखा होगा कितना भारी मात्रा में यूज होता है ये। अब मान लो मेरे पास ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, अब आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन करके निकालोगे उसमें टाइम कंज्यूम होगा, या आप डायरेक्टली लिख दोगे 1/5 tan इनवर्स ऑफ x by 5 प्लस सी वन, ठीक है। अब मान लो ऐसा आ जाता है dx अपॉन हमारे पास आ गया x प्लस वन का होल 2x+1 का होल स्केयर प्लस 5 स्केयर, अब ये आ जाता है मान लो। अब आपको ये पता है कि भाई x की जगह अगर लीनियर टर्म आती है तो वो फॉर्मूला एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये तो एक्सटेंड हो जाएगा। बट अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाता x 4 प्लस ये ऐसा आ जाता, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते कि हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वन का होल स्केयर प्लस फाइव स्केयर, अब ये इस पे नहीं लगेगा फॉर्मूला क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है dx अपॉन एक्स स्केयर प्लस फाइव स्केयर है ना, तो x यहाँ पे लीनियर टर्म है तो यहाँ पे लीनियर आएगी तो फॉर्मूला लग जाएगा, बट यहाँ पे लीनियर की जगह कुछ और टर्म आ जाएगी तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए dx अपॉन साइन स्केयर एक्स प्लस फाइव स्केयर, इस पे भी नहीं लगेगा फॉर्मूला क्योंकि भाई ये तो फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है, एक्स लीनियर पॉलिनोमियल टर्म के लिए बना हुआ है, तो उसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, लॉग आ जाए, तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल वहां पे नहीं है, तो ये चीज आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। अच्छा अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वही इसको आप क्या करो, इसको मन में टी मान लो बस, तो डी टी बाई टी इसके प्लस वाई इसका क्या फॉर्मूला है, 1/a टैन इनवर्स ऑफ 2x+1/5 इनटू साथ में 1/2 और लगाना पड़ेगा। आपको ये समझ आ रहा होगा 1/2 हमने क्यों लगाया, 1/2 हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि जो x है उसका जो कोफिशियंट है वो 2 है, तो आपको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करने पर, यहां से डिफरेंशिएशन करने पर आप यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ 10 सिस्टर फॉर्मूले में से हमारा पहला फॉर्मूला था। सिमिलरली हमारे पास dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहता है, इसका रिजल्ट रहता है 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c1, ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका रिजल्ट रहता है 1/2a, इसी का नेगेटिव होता है तो ln of mod a plus x upon a minus x plus c बनाता है, ठीक है। अब ये तीन फॉर्मूले ये हो गए, तीन इसी के अंडर रूट वाले आ जाते हैं, dx upon अंडर रूट ऑफ x square plus a square, इसका रिजल्ट है ln of x plus अंडर रूट x square plus a square plus c1, ये सब डिराइव हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है dx upon अंडर रूट ऑफ x square minus a square, उसका भी सेम ऐसे फॉर्मूला है ln of x plus अंडर रूट x square minus a square plus c1, ठीक है। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर,
इसमें क्या है, इसका 1/sin inverse x/ आता है, 1/a नहीं आता है इसमें। वो कैसे पता चला, आप x को इसमें a sin थीटा पुट करिए, तो x को अगर आप इस वाले केस में x को a sin थीटा पुट करोगे तो dx किसके बराबर आएगा, a cos थीटा d थीटा। तो हमारा जो इंटीग्रल आएगा वो आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा a cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d थीटा प्लस c1 आ जाएगा, तो sin इनवर्स x/a प्लस c1, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब आप a cos थीटा या a sin थीटा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ऊपर से भी एक a आएगा, नीचे से भी एक a आएगा, तो इसके आगे 1/a नहीं आएगा, जबकि tan इनवर्स में ऐसा नहीं है, tan इनवर्स में 1/a नीचे बच जाता है। ठीक है, फिर अब ये फॉर्मूले हैं ये वाले तीन, xk + a² dx, इसको कैसे याद रखना है, देखो √xk - a² dx, फिर है एक √a² - x² dx। तो पहले इन तीनों में क्या आता है, यहाँ पे x/2 आता है, यहाँ पे भी x/2 आएगा, यहाँ पे भी x/2 आएगा, उसके बाद ये वाली जो टर्म आ रही है इंटीग्रेंड में, यही यहाँ पे चिपका दो, xk + a² xk - a² a² - x², फिर इसके साथ क्या आएगा प्लस, अगर ए स्केयर के साथ प्लस है तो +a² / 2, ए स्केयर के साथ माइनस है तो -a² / 2, ए स्केयर के साथ प्लस है तो +a² / 2। फिर साथ में वो वाली टर्म आती है जब ये डिनोमिनेटर में बैठा होता है, तो ये जब डिनोमिनेटर में बैठा होता है तो क्या होता है, ln(x)√xk + a² + c1। ये जब डिनोमिनेटर में बैठा होता है तो क्या होता है, ln(x)√xk - a² + c1, ये कितना होता है, sin inverse of x/a + c1। बस ये इसके रिजल्ट हो गए। एक और फॉर्मूला था dx अपॉन x√xk - a² का, उसमें था 1/a secant inverse x/, तो ये 10 सिस्टर फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर आपकी नेक्स्ट टाइप बेस्ड है। ठीक है, तो अब उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें अब हमने बनाई थी जो type 3 की a थी, type 3a, उसमें इसी टाइप के प्रॉब्लम थे कि भाई dx अपॉन अगर ax² + bx + c आ जाए हमारे पास, या √ax² + bx + c dx आ जाए, या हमारे पास dx/√ax² + bx + c आ जाए। ठीक है, ये तीनों टाइप के प्रॉब्लम type 3a में थे, तो इसके एक दो प्रॉब्लम अभी देख लेते हैं। जैसे मान लो पहला प्रॉब्लम है हमारा 14, ठीक है 15 देखो, तो 15 प्रॉब्लम है हमारा dx/√2x² + 6x + 2, ये प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम में क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है मेक कोफिशियंट ऑफ x² एज 1, आपको कोफिशियंट ऑफ x² को 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/√2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा dx/√x² + 3x + 1। अब इसके बाद आपको कंप्लीटिंग स्क्वेयर करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 times of dx/√x² + 2 × 3/2x +9/4 + 1 - 9/4। एक मिनट होल्ड करना। अच्छा देखो, ये बन गया, इसके बाद क्या करना है, 1/√2 dx/, ये वाली टर्म बन गई। अब हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है इसको, तो 1/√2 times of dx/√x + 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 5 - 5/4, तो √5/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म, अब आपको क्या करना है, अब जब देखो अच्छी चीज हम ये करते हैं कि अगर हमने कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना दिया ना, तो अब हमारा डायरेक्टिव फॉर्मूला बनेगा। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया, dx/√xk - a² ये फॉर्मूला बन गया ना, dx/√, क्या बनता था इसका, इसका रिजल्ट क्या था स्टार्टिंग में। अभी देखो आप उतनी स्पीड से हो सकता है ना कर पाओ जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूले वॉर्मूले याद है, आपको नहीं याद है तो कुछ नहीं, उसको साइड में लिख लो या फॉर्मूला शीट बना लो, उसको देख देख के करते रहो। ठीक है, तो ये वाला टर्म आ जाएगा dx/√xk - a² क्या आ जाएगा, ln(x)√xk - a² + c1, ये टर्म आएगी, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/√2 ln(x+3/2 + √xk - a² xk - a² हमारी यही वाली टर्म है, xk + 3x + 1। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आप खुद से कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 16th प्रॉब्लम है हमारा, dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा आंसर निकालना है इसका। विद्यासागर भाई तू सब जगह दिल दिल बनाया जा रहा है, दिल दिल मत बना भाई, ये बात अच्छी नहीं लग रही मुझे। अपना अपना सॉल्व करें, कोई किसी के ऊपर दिल मत बनाए। इसको सॉल्व करो, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है विद्यासागर को भी कोई पीटने को नहीं मिल रहा है। अरविंद आए हुए आज? अरविंद आया नहीं भाई, डर के। अरविंद तू आया हुआ है? यस लिख इसमें चैट बॉक्स में। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं, वापस आते हैं, हो गई कॉमेडी थोड़ी सी। करण सिंह आपका आंसर आ गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जिसका आंसर आ जाए वो ये वाली इमोजी भेज दें। अच्छा देखो, पता नहीं क्या कर रहे हो यार, हो ही नहीं रहा है तुमसे। अभी तो बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन बनाना है, ऑलरेडी वन बना हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है बस। उसके बाद क्या बनेगा देखो, डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास आ जाएगा डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 एक्स प्लस 1 बाय 4। ठीक है, हमने क्या किया, 1 बाय 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो एक्चुअली 1 बाय 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो 1 बाय 4 एड भी होगा, तो क्या बन जाएगा 5 बाय 4। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 5 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो क्या रिजल्ट था इसका, साइन इनवर्स x बाय a। अब देखो ये मेरे को भी स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन रहता था कि भाई dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर रहेगा तो उसमें 1 बाय आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको वो ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, वो a कट जाता है, तो साइन वर्स x बाय आएगा, तो x प्लस हाफ बाय रूट 5 बाय 2 प्लस c1, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट था इसमें टाइप 3b। अच्छा, अब टाइप 3b में क्या है, टाइप 3b में हमारे पास एक इसके साथ लीनियर टर्म और आ जाती है, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cdx, ये टर्म आ गई। फिर क्या टर्म आ जाती है, px प्लस q इंटू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाता है। और क्या आता है, px प्लस q अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाता है। तो ये तीन टाइप के प्रॉब्लम है जो टाइप 3b में हम कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अभी इधर ध्यान दो। अब इसमें क्या करते हैं, जो px प्लस q है उसको लिखते हैं k1 इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज 2ax प्लस b प्लस k2।
तो पी एक्स प्लस क्यू को हम लिखते हैं के वन इंटू टू एक्स प्लस बी प्लस के टू। ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, के वन इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव या क्वाड्रेटिक टर्म का डेरिवेटिव लिख देते हैं क्योंकि हमेशा वो डिनोमिनेटर में नहीं आ रही है। तो क्यू वन के वन इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस के टू, ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव। ठीक है, तो बस ये करना है आपको, अपने आप ही आपका प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। एक आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन वाला, एक आपका प्रीवियस वाली टाइप में चला जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे हो गए 17 प्रॉब्लम। देखो तो 17 प्रॉब्लम जो है उसमें हमने किया, हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ से एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। ये प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x प्लस वन को क्या लिखना पड़ेगा, k1 इंटू k1 और k2 कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो k1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x प्लस वन, xk प्लस x प्लस वन का डेरिवेटिव लिखा है बेटा यहाँ पे, प्लस k2। अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k1 is equal to 1 and k1 plus k2 is equal to 1। समझ आया, कंपेयर कर दिया। x प्लस वन को क्या लिखना है, k1 इंटू 2x प्लस वन प्लस k2, कंपेयर करेंगे तो 2k1 is equal to 1 आ जाएगा और k1 plus k2 1 आ जाएगा। यहाँ से k1 हाफ आ गया और यहाँ से k2 भी हाफ आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास अभी इंटीग्रल बन जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ 2x plus 1 plus हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, ये x प्लस वन के बराबर ही बन रहा है, इन दोनों का जो सम है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको बेटा तू t मानेगा तो ये अपना dt बन जाएगा ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को तूने t माना तो तेरे पास 2x प्लस 1 dx किसके बराबर बन जाएगा, dt के बराबर बन जाएगा। तो आपका इंटीग्रल आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी dt। ठीक है, प्लस ये इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने अभी अभी सॉल्व किया ही था कंप्लीटिंग स्क्वायर से, x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 आएगा यहाँ पे। तो ये अब सॉल्व हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ t की पार्ट 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, ये अब हमें फॉर्मूला आता ही है, हम सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया आप लोग को इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कर लो, प्रॉब्लम 18 जल्दी जल्दी ट्राई करना ताकि हम एंड तक पहुंच पाए। इसमें एक प्रॉब्लम मैंने ये बताया था कि मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाता है तो उसको पहले रिड्यूस करना है, एक्स के माइनस एक्स प्लस वन टू एक्स के प्लस एक्स प्लस टू। करो इसको, पहले इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ब्रेक कर लेना है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को करिए एक बार। नहीं बनी बात, जिसका हो गया वो उसमें डन लिख दो।
ओके देखो क्या करना था इसमें, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो बेटा, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 2 dx, ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। ये तो समझ आ गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर क्या करेंगे इसके बाद, इसको लिख देंगे हाफ टाइम्स ऑफ 2x² प्लस x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन 2x² प्लस x प्लस 2 dx, उसको माइनस 2x को लिख दिया x माइनस 3x। फिर इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ dx माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 2। ये तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ऊपर डिग्री सेम थी ना, हमें उसको फिर जो नोन फॉर्म है उसमें लेकर जाएंगे। अब हम इसको नोन फॉर्म में ले आए, अब इसको क्या लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे, k1 into denominator का derivative, which is 4x plus 1 plus k2, यहां से k1 k2 निकल जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप थी टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 जो है इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सी टाइप है, साइन एक्स की पावर एम और कॉस एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। इसमें तीन ही सब्स्टिट्यूशन है, या तो साइन एक्स को टी मानना है उससे सॉल्व हो जाएगा, या कॉस एक्स को टी मानना है इससे तेरा जीवन हल हो जाएगा, या टैन एक्स को टी मानना है। टैन एक्स को टी तब मानना है जब एम और एन क्यू को बिलोंग कर रहे हो, मतलब रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हो, और एम प्लस एन एक नेगेटिव इंटीजर बन रहा हो, या इंटीजर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वो न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर बनता है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, ठीक है। तो उसी का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखना है या तो sin x को t मानना है, या cos x को t मानना है, या tan x को t मानना है। tan x को t हम तब मानते हैं जब m plus n जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर हो रहा हो, प्रोवाइडेड m एंड n आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसका एक प्रॉब्लम हमारा नंबर हो गया 19, दो कर लेते हैं चलो, जिसमें एक में, अच्छा एक और था इसमें, एक था जिसमें इवन पावर्स ऑफ sin x एंड cos x आते हैं, तो इवन पावर ऑफ sin x और cos x जो आता है उसमें हम मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, साइन 2x साइन 3x ऐसे फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। तो दो तीन प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास साइन 4x cos 5x dx, बताओ चैट बॉक्स में लिख के किसको टी मानेंगे, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी, एक्टिव रहो यार भाई, आधा घंटा और बचा है ऐसे तो बात नहीं बनेगी। साइन एक्स को टी मारेंगे, हाँ, क्योंकि जिसकी ऑड पावर रहती है ना, ऑड पावर वाला टर्म आपका डेरिवेटिव में चला जाना चाहिए, तो साइन एक्स को टी मारेंगे। तो इस केस में आपको साइन एक्स को टी मानना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये है हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स की पावर 9/2 dx। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसको टैन एक्स को टी मान के देखो। हाँ बेटा, अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि जैसे साइन एक्स की पावर हाफ है, साइन एक्स की पावर हाफ है और कॉस एक्स की पावर -9/2 है, इनकी जो पावर्स का सम है वो -8/2 -4 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो हमें टैन एक्स को टी मानना है। तो आप टैन एक्स को टी मान के सॉल्व करो इसको जल्दी से। बेटा ये वाला 20th कर लिया तूने, जिसका 20th हो गया वो 20 डन लिखो, ऐसे 20 डन लिख दो, अगर उसके पास इमोजी नहीं है तो, उसके पास इमोजी है तो ये वाली इमोजी चेप दो साथ में, गलत जगह चेप दी मैंने। ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो आगे, ताकि पता चले ना, क्योंकि पीछे वाले बच्चे 19 कर रहे होते हैं, अभी करण सिंह का हो गया है।
ठीक है, तुषार हो गया है। क्या करना है इसमें, चलो अभी मैं कर देता हूँ एक बार। इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास, क्योंकि 4 + 1/2 9/2 होता है, तो अंडर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट 4x dx बन जाएगा। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि tan x को t मान लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, secant square x dx is equal to कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हमारे पास i बन जाएगा रूट टी इंटू secant square x dx dt में चला जाएगा, एक secant square x बचेगा उसको लिख देंगे 1 + t square, इसके बाद आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम देखना है इसका, जिसमें इवन पावर्स आ रही है हमारे पास। ऐसे ही हमने प्रॉब्लम किया था sin square x cos 4x dx। इस इन प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, इनमें साइन टू, जब इवन पावर आएंगी दोनों में, किसी एक की ऑड पावर होगी तब तो वो साइन एक्स को टी मान के या कॉस एक्स को टी मान के हो जाएगा। जब इवन पावर्स आएंगी तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स कॉस फोर एक्स, इनमें इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी ये प्रॉब्लम जाके सॉल्व होता है। तो करते हैं, इसको मैंने लिख दिया 1/4 टाइम्स ऑफ 4 sin² x cos² x cos² x, ठीक है, फिर इसको लिख दिया 1/4 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा साइन टू एक्स का होल स्केयर इंटू कॉस स्केयर एक्स को लिख सकते हैं 1 + cos² x/2 dx, ठीक है, अभी ये सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर 2x dx प्लस 1/8 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर 2x इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। अब ये साइन स्केयर 2x को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 - cos 4x/2 dx, सॉल्व हो गया, प्लस 1/8 टाइम्स ऑफ, इसको 1/16 कर लेते हैं, अगर इसको मैं 1/16 कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin 2x cos 2x into sin 2x dx, ठीक है, ये 2 sin 2x cos 2x क्या बन जाएगा आपके पास, sin 4x sin 2x को आप फॉर्मूला बना के कर सकते हो, 1/18 ये आ जाएगा x - sin 4x/4, 1/16 प्लस 1/32 टाइम्स ऑफ 2 sin 4x sin 2x। अब ये 2 sin 4x sin 2x का फॉर्मूला, अब आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं कितनी बार बताता था भाई फॉर्मूले याद करो, अब पूरे कैलकुलस में जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपके फॉर्मूले यूज होंगे। ये बनेगा cos 2x - cos 6x, ठीक है, अब इसका इंटीग्रल आपको निकालना आता है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी नेक्स्ट टाइप। ऐसे ही हमारी 4b जो है, उसमें 4b वाली जो टाइप है उसमें होता है tan x की पावर m इंटू secant x की पावर n, ठीक है, इसमें भी दो ही सब्स्टिट्यूशन है, या तो आपको tan x को t मानना है या secant x को t मानना है, इसको आप रिवीजन लेक्चर में देख लीजिएगा। 4c जो है, जो प्रीवियस लेक्चर हो चुका है उसमें देख लेना इसके प्रॉब्लम जो है, कुछ secant x की पावर m cot x की पावर n dx, तो इसमें क्या होगा, या तो कुछ secant x इक्वल टू t होगा या cot x को t मानना है, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है टाइप 5। अच्छा, अब टाइप 5 क्या आती, टाइप 5 भी डायरेक्ट टाइप है हमारी, dx अपॉन a प्लस b sin square x, dx अपॉन a प्लस b cos square x, dx अपॉन a sin square x प्लस b cos square x, dx अपॉन a sin square x प्लस b cos square x प्लस c। ये टाइप तो बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल टाइप यही लगती है मुझे, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है, और ये करने के बाद टैन एक्स को टी मानना होता है। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये इसका मेथड हो गया इस टाइप का। ठीक है, एक प्रॉब्लम इसका और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है dx अपॉन cos x टाइम्स ऑफ sin x प्लस 2 cos x। अच्छा, इसमें हिंट ये रहता है बेटा कि जो आपकी नीचे वाली टर्म है उसमें डिग्री 2 रहती है, sin x और cos x की डिग्री आपके पास क्या रहती है, 2 रहती है। ठीक है, तो जैसे इसमें स्पेसिफिकली उस फॉर्म का क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसमें भी डिग्री 2 है इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्या, देखो sin x cos x है, डिग्री 2 हो गई,
ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की डिग्री वन वन काउंट होगी, तो इन दोनों की डिग्री टू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, टू कॉस केयर एक्स है, तो आप क्या करो कॉस केयर एक्स से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा सीकेंट केयर एक्स ऊपर, यहाँ कॉस केयर एक्स से डिवाइड करोगे ए कॉस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स प्लस टू आ जाएगा। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा एल एन ऑफ टेन एल एन ऑफ मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक और इसी का प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो हमारे पास है डी एक्स अपॉन 3 साइन स्केयर एक्स प्लस 4 कॉस स्केयर एक्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 प्लस कॉस स्केयर एक्स, जरूरी नहीं है आपको दोनों को ही डिवाइड करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स प्लस 3 प्लस कॉस स्केयर एक्स, मैंने 3 कॉस स्केयर एक्स कॉमन निकाल लिया, अब कॉस स्केयर एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 सीकेंट स्केयर एक्स प्लस 1, अब सीकेंट स्केयर एक्स को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स अपॉन ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टैन स्केयर एक्स, तो 3 टैन स्केयर एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अब टैन एक्स को आप टी मान लीजिए, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी डी टी अपॉन 3 टी स्केयर प्लस 4, अब ये सॉल्व कर ही लोगे आप। ठीक है, तो ये हमारी होगी टाइप 5A, इसको हमने नाम दिया था 5A। अब नेक्स्ट है हमारी 5B, 5B भी स्पेसिफिक टाइप है, ये तो यार रट्टे वाली टाइप है, अगर ये अगर आप भूल गए तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें क्या था a sin x plus b upon a plus b sin x का होल स्क्वायर है, अगर ये अगर हमारे पास टाइप आती है तो हमें क्या करना है, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली इसकी एक और टाइप थी a cos x plus b divided by a plus b cos x का होल स्क्वायर, इस वाली टाइप में क्या करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है साइन स्केयर एक्स से, डिवाइड लिख देता हूं यहां पे, डिवाइड करना है इसमें भी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्केयर एक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा आपके उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था टाइप 6A, इन पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही प्रॉब्लम्स हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन पता है तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व एकदम जल्दी जल्दी होंगे। टाइप 6A में क्या था हमारे पास था dx upon a sin x plus b cos x, इस टाइप का प्रॉब्लम है dx upon a sin x plus b cos x a plus b sin x dx upon a plus b cos x या dx upon a sin x plus b cos x plus c। ठीक है, इसके एक एक दो मैंने आपको एक्सेप्शंस भी बताए थे, इसमें एक दो एक्सेप्शंस भी हैं कि जैसे मान लो आपके पास dx upon 1 plus sin x है तो ये बिना इस मेथड के भी सॉल्व हो जाते हैं, dx upon 1 minus dx cos x है और dx upon 1 minus cos x है, ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप 1 minus sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप 1 plus sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप 1 minus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बट अगर इसके अपार्ट फ्रॉम दीज फोर इंटीग्रल्स अगर कोई और इंटीग्रल आता है तो उसमें आपको टेन एक्स बाई टू को ही टी मानना पड़ेगा, अगर आप टेन एक्स बाई टू को टी मानते हैं तो डी एक्स आपका आता है 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और साइन एक्स को और कॉस एक्स को आप टेन की टर्म में लिखना जानते हैं, तो इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, से प्रॉब्लम 24, हमारा 24 प्रॉब्लम हो गया dx upon 4 plus 5 sin x। ठीक है, अब जैसे इसमें डायरेक्ट अब उससे सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे tan x by 2 को t मानेंगे, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको, secant square x by 2 dx by 2 जो होगा वो dt हो जाएगा, तो dx इसके बराबर आ जाएगा 2 dt upon 1 plus t square आ जाएगा, अब समझ आ रहा होगा मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया था, तो dx की जगह आएगा 2 dt upon 1 plus t square 4 plus 5 times of sin 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2t upon 1 plus t square, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 tan x sin 2 theta का फॉर्मूला 2 tan theta upon 1 plus sin square का। अब आप LCM लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 dt upon 4 plus 4t square plus 10t और 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा dt upon 2t square plus 5t plus 2। अब आपको ये पुरानी टाइप होगी आपकी dt by quadratic, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसी के ऊपर बेस सिंपल से प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट हमारे पास थी टाइप 6B। अच्छा, अब जो हमारी टाइप 6B है उसमें क्या था, उसमें इस टाइप का फॉर्मूला है p sin x plus q cos x
अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली एक और था हमारे पास, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, इस न्यूमरेटर को आपको लिखना है के वन इंटू डिनोमिनेटर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, क्योंकि दो वेरिएबल है ना ये, मतलब दो टर्म है हमारे पास, तो आपको दो वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। के टू इंटू इसका डेरिवेटिव ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, तो इस वाले केस में ऐसा लिखना है कि जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा के वन इंटू डिनोमिनेटर प्लस के टू इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। जो ये वाला केस है इसमें आपको लिखना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू के वन इंटू डिनोमिनेटर प्लस के टू इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस के थ्री साथ में और लगाना पड़ेगा। के थ्री साथ में क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तीन टर्म्स है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी का। बाकी आपके पास जो भी फॉर्मूला होगा वो प्रीवियस वाले में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये वाला जो इसी का जो प्रीवियस टाइप था उसमें रिड्यूस हो जाएगा। टू प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री। तो क्या करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, टू प्लस थ्री कॉस एक्स को क्या लिख दो, के वन इंटू डिनोमिनेटर विच इज साइन एक्स, माइक क्लोज करें बेटा, टू कॉस एक्स प्लस थ्री प्लस के टू इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस के थ्री। कंपेयर करके के वन के टू थ्री आ जाएंगे। ठीक है, कंपेयर करके के वन के टू के थ्री आ जाएंगे, तो जब आप सेपरेट करेंगे तो आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ के वन डी एक्स प्लस के टू टाइम्स ऑफ, आपके पास क्या होगा डिनोमिनेटर में तो बैठा हुआ है साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री, के वन के टू के थ्री नहीं निकाल रहा हूं अभी मैं, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हुआ है विच इज कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा के थ्री टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री। देखो ये सॉल्व हो गया के वन एक्स, यह आ जाएगा के टू एल एन ऑफ डिनोमिनेटर क्योंकि डी टी बाई टी बनेगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। ये आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें टेन एक्स बाई टू को टी मानोगे, तो ये प्रीवियस टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिक्स बी। नेक्स्ट आते हैं सिक्स सी पे, टाइप सिक्स सी। ठीक है, अब सिक्स सी थी हमारी टाइप जिसमें ऐसा टर्म था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स और इंटीग्रल था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, या तो हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे या हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, जिसका भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। जैसे इस वाले पर्टिकुलर केस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आप टी मानोगे तो उसका डेरिवेटिव डी एक्स बन जाएगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा, तो वो डी टी बन जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्केलिंग बोथ साइड करने पर ये बन जाएगा वन माइनस साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर, तो साइन टू एक्स भी इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम बनता है इसके ऊपर, एक प्रॉब्लम बनता है इसके ऊपर, एक प्रॉब्लम बनता है इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो वैसे वाला एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो से आपके पास है ये वाला प्रॉब्लम करो एक बार ट्राई, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डी एक्स। ये इसको आपको साइन एक्स को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, टू से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, चलो वो स्टेप मैं कर देता हूँ। तो इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टू साइन एक्स, उसको लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको ब्रेक कर करके करो एक बार, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूशन देख लेना है, मतलब फॉर्म बना के छोड़ देनी है। करो एक बार ट्राई करो, जिसका हो जा रहा है फिर वो लिखना। 26 डन, 26 प्रॉब्लम है ये, करो भाई जल्दी से।
ये हो गया आपका 26। सब लोग ट्राई कर रहे हो? यस सर। करो करो ट्राई करो। देखो इस इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक कर देंगे, हाफ i इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एक इंटीग्रल बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x dx, और एक इंटीग्रल बन जाएगा हाफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 9 प्लस 16 साइन 2x dx। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस वाले पहले इंटीग्रल में क्या होगा, कॉस एक्स जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी मानेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे, ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को से डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्लू। तो जो आपका इंटीग्रल बनेगा वो बन जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ इस पर्टिकुलर केस में dt upon 9 plus 16 times of, अब इसका scaling both sides करोगे तो क्या आएगा, 1 minus sin 2x is equal to t square आएगा, तो sin 2x की जगह क्या लिखोगे, 1 minus t square plus 1 by 2 times of, यहाँ पे क्या आ जाएगा, minus dw आएगा ना, क्योंकि sin x minus cos x है, हमारा cos x minus sin x आ रहा है, इसका whole square करने पे हमारे पास आएगा 1 plus sin 2x is equal to w square, तो 9 plus 16 times of यहाँ पे आ जाएगा w square minus 1, बस solve हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है बाय पार्ट्स, टाइप 7। अच्छा, अब बाय पार्ट्स में क्या है, बाय पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे लिए। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है कि हमारे पास एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट को हमें अप्लाई करना है प्रोवाइडेड उस इंटीग्रेंड में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हो। स्क्रीन नहीं आ रही क्या, चैट बॉक्स में लिखो किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। यस सर। अभी चेक करो, अभी चेक करो। अब आने लग गया होगा क्योंकि मैंने रीस्टार्ट कर दिया उसको, कई बार वो इंटरनेट वीक हो जाता है। ठीक है, चलो बाकी देखो, अब दोबारा से देखो बाय पार्ट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो ध्यान से। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, डी ऑफ यू वी इज इक्वल टू वी डी यू प्लस यू डी वी। ठीक है, तो इसमें एक यू फंक्शन है, एक वी फंक्शन है। देखो आप अगर अलग अलग बुक में देखोगे अलग अलग रिजल्ट लिखे होते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, सेम ही है, बट हम इसको डिफरेंट नोटेशन में करते हैं जो मुझे आसान लगती है और आपको भी वही आसान लगेगी। ठीक है, किसी और बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो वन और टू की टर्म्स में लिखता है। ठीक है, तो डी ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू डी वी प्लस वी डी यू होता है, तो हमने यू डी वी को क्या लिख सकते हैं, यू डी वी को लिख सकते हैं डी ऑफ यू वी माइनस वी डी यू लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं तो यू डी वी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यू वी, क्योंकि डी से इंटीग्रल हट जाएगा, माइनस वीडीयू का इंटीग्रल आ जाएगा। तो यूडीवी का इंटीग्रल जो होता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, यूडीवी का जो इंटीग्रल होता है वो होता है यूवी माइनस वीडीयू का इंटीग्रल। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो रीज्वाइन करो मीटिंग को, तो उसको दिखने लग जाएगा, इंटरनेट कई बार आपका वीक हो जाता है तो नहीं दिखता है। तो यूडीवी का इंटीग्रल इज इक्वल टू यूवी माइनस वीडीयू का इंटीग्रल आ जाएगा। इसमें जो हमारा यू है वो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, डीवी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो UdV का इंटीग्रल आएगा UV माइनस VdU का इंटीग्रल, बस ये रिजल्ट अब आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो रूल्स और ध्यान में रखने हैं। अगर हमें U और V को सिलेक्ट करना है कि U भाई किसको माने, DV किसको माने, तो U को सिलेक्ट करने के लिए एक रूल होता है आईलेट। ये U की प्रायोरिटी ऑर्डर को मतलब U को सिलेक्ट करने के लिए ये रूल है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास U का प्रायोरिटी ऑर्डर है। E से हम डिनोट करते हैं एक्सपोनेंशियल को, T से हम डिनोट करते हैं ट्रिगो को, A से हम डिनोट करते हैं एल्जेब्रिक को, L से डिनोट करते हैं लॉग को, I से डिनोट करते हैं इनवर्स को।
तो मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है log x into x square dx, तो हम इसमें अब log पहले आता है, algebraic बाद में आता है, तो u आप log x को मानोगे और dv आप x square dx को मानोगे। जो भी आपको इंटीग्रेंट दिया जाएगा उसको कंपेयर करना है u dv के साथ, ठीक है, समझ आ गया ना। तो आईलेट किसके लिए यूज होता है, यू को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम करते हैं, अगर आईलेट फेल होगा, ये तो पहला रूल हो गया, अगर आईलेट फेल होगा, इफ आईलेट फेल्स मतलब आईलेट लग ही नहीं रहा है, तो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को हम डीवी मानते हैं, ये ध्यान रखना है। बस ये दो चीजें ध्यान रखोगे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब करते हैं इसका पहला प्रॉब्लम। हेलो सर, आपने कहा था डिफरेंशिएबिलिटी का फोर्थ लेक्चर सैटरडे को याद दिला देना। क्या डिफरेंशिएबिलिटी का फोर्थ लेक्चर? आज मैं नहीं याद दिलाने भाई, अलग से याद दिलाने ना, वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा ड्राइव में, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना, वो तो देखो लेक्चर दे दूंगा मैं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे याद दिलाना 2 बजे के आसपास, बेटा मैं अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। ओके सर। अच्छा आप देखो इधर ध्यान दो, एक्स ई एक्स डी एक्स है, मान लो इसको सॉल्व करना है। अब आईलेट के हिसाब से आप क्या करेंगे, आपको U डिसाइड करना है बेटा, तो U करोगे तो E तो सबसे पीछे एलजेब्रिक आगे आ रहा है, तो U किसको मान लेंगे, इस ये जो टर्म दी जाएगी ना इसको कंपेयर करना है इसके साथ यू डी वी, तभी आप रिजल्ट लगाओगे यू वी माइनस वी डी यू का इंटीग्रल, ठीक है, सब लोग को समझ आ रहा है। इसको कंपेयर कर लेना है यू डी वी के साथ, तो यू किसको मानेंगे, एक्स को मान लेंगे, डी वी किसको मान लेंगे, ई एक्स डी एक्स को मान लेंगे, तो आपका du किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा, ex के बराबर हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, x ex माइनस v du का इंटीग्रल ex dx, तो आ जाएगा x ex माइनस ex प्लस c1, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब 28 प्रॉब्लम देखो, अब जैसे मान लो आपके पास ये इंटीग्रल आ रहा है secant क्यूब x dx, अब इसमें u और v आप ऐसे डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, आईलेट फेल होता है इसमें, तो हम u मान लेते हैं secant x को और dv मानते हैं secant square x dx को, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना आसान है। du आपके पास आ जाएगा secant x tan x और v आ जाएगा हमारे पास tan x, इंटीग्रेट कर दिया इसको बेटा, तो i आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, u into v which is secant x tan x minus v du का इंटीग्रल which is secant x tan square x dx। अभी फॉर्मूला तो लगाना आ गया होगा सबको, यू वी माइनस वी डी यू का इंटीग्रल, यू सिलेक्ट करना है, डी वी सिलेक्ट करना है, यू से डी यू निकालना है, डी वी से वी निकालना है, इंटीग्रेशन की जगह लिख देना है यू वी माइनस वी डी यू का इंटीग्रल, तो आई अब आपका हो जाएगा हमारे पास, यहां तो आ गया सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस, इसकी जगह आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो हमारे पास आई आ जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, ये भी आया तो टू आई हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस एल एन ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस एल एन ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x plus c1, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है, तो ये हो गया बाय पार्ट्स। इसका तो लेक्चर ऑलरेडी फुली रिकॉर्डेड है, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम आए वो और देख सकता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, हमारे पास दो रिजल्ट और हैं इसके, एक रिजल्ट है x f' x plus f of x, इसको स्पेशल इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसका इंटीग्रल वो हमारे पास आता है x f of x plus c1, और एक हमारे पास इंटीग्रल है e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जो रिजल्ट आता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन आता है, ठीक है। तो ये दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में एक बार देख लें तो बढ़िया रहेगा, हमारे पास 10 मिनट्स बच रहे हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन भी डिस्कस कर लेता हूं। अब इसके बाद हमने टाइप 8 पढ़ी थी पार्शियल फ्रैक्शन की, ये भी पूरा रिकॉर्डेड है, बस मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। अब कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा होगा कि सर मेरे से ना क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है ना, इस चैप्टर में एक फ्लो है बेटा, वो फ्लो ये है कि आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करते हुए चलने हैं आपको, मैंने इसीलिए इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने को दिए, आपको एक असाइनमेंट दी होगी वो बहुत ईजी असाइनमेंट है,
उसके मोस्टली क्वेश्चन कुछ के एक दो के आंसर अगर मैच नहीं कर रहे हैं उसको इग्नोर करो, मोस्टली क्वेश्चन उसके बहुत आसान है। आपको चार पांच क्वेश्चन बीच में बस मुश्किल मिलेंगे, बाकी आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतनी आपकी कमांड स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो आपको असाइनमेंट डीपी की फॉर्म में दी हुई है उसको करें, ठीक है। तो फ्लो क्या है चैप्टर में कि भाई मेरे को सारे फॉर्मूले याद हो गए, मेरे पास एक फॉर्मूला शीट है, मैं प्रॉब्लम करते जा रहा हूँ, फिर सब्स्टिट्यूशन आ गया, मेरे को सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया, उसके बाद आपको ना ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि भाई चैप्टर में कुछ था ही नहीं। मेरे को अगर टाइप सारी याद है तो मेरे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में से एक्स प्लस वन है तो ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक टर्म है जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है तो ऊपर ए एक्स प्लस बी होना चाहिए, अगर फैक्टराइजेबल है तब भी एक्स प्लस बी होगा बट वो फर्दर फिर रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए उसको हम और फर्दर मतलब और भी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। बट पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि ऊपर और नीचे में डिग्री का डिफरेंस हो, एक डिग्री का डिफरेंस हो, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से एक ज्यादा हो। अगर नीचे क्यूबिक टर्म है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सेवन तो ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या आते हैं, इसकी टाइप्स आती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, x प्लस टू और x प्लस थ्री, कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो हम ये जो इंटीग्रेंट है इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। वो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, अब नीचे वाली टर्म क्योंकि लीनियर है सारी तो इनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो इसको लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, a अपॉन x प्लस वन, b अपॉन x प्लस टू, c अपॉन x प्लस थ्री। अब एलसीएम लेके आप कंपेयर कर सकते हो न्यूमरेटर्स को, तो अगर कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस टू x प्लस थ्री, b टाइम्स ऑफ x प्लस वन x प्लस थ्री, c टाइम्स ऑफ x प्लस वन x प्लस टू। तो हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लिया, अब क्या करना है वैल्यूज डालनी है। अगर आप x को माइनस वन करोगे तो आप क्या जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ वन इंटू टू, तो a की वैल्यू आ गई माइनस वन क्योंकि ये दोनों टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी माइनस वन करने पर। x को अगर आप माइनस टू पुट करते हो तो आप क्या इसी तरह आ जाएगा, माइनस थ्री इज इक्वल टू ये जीरो b टाइम्स ऑफ माइनस वन इंटू वन, तो b की वैल्यू थ्री आ जाएगी। ऐसे x को अगर आप माइनस थ्री पुट करते हो तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर आएगा इस तरफ क्योंकि माइनस वन है, तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करने पे ये जीरो सी वाली टर्म बचेगी तो माइनस टू इंटू माइनस वन, तो सी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। अब ए बी सी की जैसे ही वैल्यू आ जाएंगी तो आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है दोनों तरफ, आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास फिर ऐसा रहता है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है तो इसको क्या करो, डिवाइड कर लो या ब्रेक कर लो। अब इसको ब्रेक कैसे करोगे, इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ब्रेक करना डिवाइड करना एक ही बात है, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं हम कैसे, ये ब्रेक हो जाएगा ना ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री में, इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्योंकि ये फैक्टराइजेबल नहीं है प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। डी एक्स अपॉन मान लो ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन डी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर e upon x minus 1 का होल क्यूब, ठीक है। इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इसमें लास्ट टाइप एक थी जिसमें इंटीग्रेंट में इवन पावर्स ऑफ x थे, तो उसमें क्या था, इंटीग्रेंट कंटेनिंग इवन पावर्स ऑफ x, जैसे मान लो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, जिसमें इंटीग्रेंट कंटेनिंग इवन पावर्स ऑफ x है सच दैट डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल। जब डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल होगा तो उसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे एक्स स्क्वायर की टर्म्स में ही, तो आपको एक्स स्क्वायर को टी मान के डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना लो। इवन पावर ऑफ एक्स होनी चाहिए बट इसमें, और डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल नहीं है तो वो आपका टाइप नाइन बनेगा जो इसके आगे वाला टाइप है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे, कंपेयर करके आप ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हो प्रोवाइडेड न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम थे, और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं।
स्टिल अगर किसी का भी अभी भी किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे अलग से मैसेज कर सकता है, या इसमें भी चैट बॉक्स रहता है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, किसी की और भी कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है। अब बेटा जितने भी टाइम लॉकडाउन चलेगा हम इस पे फुल फ्लेज चलेंगे, मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप अपने होमवर्क को प्लीज कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये एंग्री रिएक्शन बेटा, ये ऐसे रिएक्शन मत दो एक दूसरे के ऊपर, ऐसे अजीब से रिएक्शन मत दो, जो आपको बस चैट बॉक्स में मेरे से बात करनी है, नहीं तो फिर मैं आपको बिना बताए आपको एग्जिट कर दूंगा इस ग्रुप्स में से, 12th N1 N2 में से एग्जिट कर दूंगा और आपको फिर समझ नहीं आएगा। पीयूष और ये जो कर रहे हैं ना, पीयूष आदित्य आपका मैंने नाम नोट कर लिया है, अगली बार ऐसा कुछ आपकी तरफ से अगर आता है तो आपको हम आपको इस ग्रुप से मैं 12th N1 N2 के ग्रुप से आउट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज अपना जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें, ठीक है, व्हाट्सएप कर दें या जो भी करें। अब मेरे ख्याल से अब इंटीग्रेशन का अब आपके पास कल का दिन है, आज का दिन है, पूरे प्रीवियस लेक्चर को वॉच करो, सारे प्रॉब्लम्स करो, असाइनमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मिलते हैं मंडे को, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मंडे को शायद 8:30 की क्लास है, वो हो सकता है 8 o'clock से हो जाए, क्योंकि और भी पेरेंट्स के हमारे को रिक्वेस्ट आ रहे हैं टाइम थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है। अब जय हनुमान करके एग्जिट करो, जय हनुमान करके एग्जिट करो। कोई किसी को परेशान करता है तो वो भी हमें बता सकता है, हम उसकी भी फिर क्लास ले लेंगे, जो भी किसी दूसरे को परेशान करता है। तो अपने काम में ध्यान दो, बहुत कुछ काम है, हम ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।